हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ये अपने पुराने वेस्ट कुछ सामान लेकर आई हूँ जो कि हमारे सभी के घरों में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ये हैं पेंट के डब्बे, और अगर इन पेंट के डब्बों में कुछ प्लांट्स लगा दिए जाएँ तो ये यूज़ में भी हो जाते हैं और दोबारा रिसाइकिल हो जाने पर ये हमारे गार्डन में इसी तरह से बने रहेंगे। और अच्छे खासे डब्बे हैं और मजबूत भी होते हैं। अगर हम इन्हें फेंक देते हैं तो नुकसान अपना ही है, इसलिए से इनमें हम प्लांट्स लगाएंगे। और हम गार्डनर्स के पास तो छोटे बड़े जो भी प्लांट रहते हैं उन्हें हम उस हिसाब से पॉट देते रहते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर है कि अगर आपके पास ऐसे वेस्ट डब्बे पड़े हुए हैं, वेस्ट सामानों में आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, उनकी भी अच्छी ग्रोथ होती है और आने वाले समय में जब उनकी ग्रोथ हो जाए तो आप उन्हें कहीं अच्छे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी आज की इस वीडियो है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेंट के डब्बे हैं, तो जी हाँ ये पेंट के ही डब्बे हैं। और हमारे यहाँ ये चार पॉट थे तो मैंने इन्हें फेंकने के बजाय इस्तेमाल में लेना सही समझा और मुझे लगा कि इनमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए जाएं ताकि उनकी ग्रोथ होती रहे, और फिर जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं उन्हें कभी रिपोर्ट कर दूंगी। क्योंकि इस तरह से हम सब कटिंग लगाते रहते हैं, और अभी आप देख सकते हैं ये हिबिस्कस की कटिंग है, यहाँ पर वाइट एक्जोरा है, डॉर्फ, और मैंने इन्हें लगाया हुआ था। अभी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, कुछ हिबिस्कस मैंने अभी रिपोर्ट किए हुए हैं लेकिन आज इनको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूं, क्योंकि इस तरह के छोटे पॉट इनके लिए अच्छे होंगे। एक पॉट में चार प्लांट लगे हुए हैं, ये सभी जीवित हैं और चल रहे हैं लेकिन इनकी अच्छी कोई ग्रोथ नहीं होनी है। अगर हम इन्हें सिंगल सिंगल पॉट दे देते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों बाद यानी महीने दो महीने बाद इन्हें हम अच्छा सा पॉट दे सकते हैं। इस तरह से अगर हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें आप रिपोर्ट भी करते रहिए ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। तो इसी को आज हम रिपोर्ट करेंगे इन अपने वेस्ट डब्बों में। और मैंने इनमें होल बनाए हुए हैं, होल को मैंने कवर किया हुआ है और कवर करने के बाद में मैंने मिट्टी भी बना ली है। तो ये है हमारी कटिंग और यहाँ पर बनी हुई है मिट्टी। तो ये हमारे गार्डन की बनी हुई पुरानी मिट्टी है, इसमें मैंने गोबर की खाद ली हुई है। पुरानी मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट वगैरह मिली होती है जो मैं अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल से बनाती रहती हूँ कंपोस्ट, वो मैं मिलाती रहती हूँ। साथ ही मैंने कटिंग लगाने के लिए थोड़ी सी गोबर की खाद भी ली हुई है। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, वरना आप उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लाकर मिला सकते हैं। और अगर आप अपने किचन से और गार्डन से वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट बनाते हैं तो बेस्ट है, वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लिया हुआ है जो साफ का है, और इसे मिलाने के बाद में मैं इन पॉट में भरने वाली हूँ। मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेना है और मिलाने के बाद ही आप पॉट फिल करें। थोड़ा सा मिट्टी को मैंने धूप दिखाया हुआ था और ये अच्छी तरह से रिचार्ज भी हो गई है, क्योंकि पुरानी मिट्टी को बारिश के बाद में आप थोड़ा धूप ज़रूर दिखाएं, और जिससे कि मिट्टी अच्छी हो सके और वो फिर हमारे प्लांट के लिए काफ़ी लाभदायक होगी और किसी भी तरह के उसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी को मिला सकते हैं। अब हम चलिए पॉट को भर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पॉट को आधा फिल कर लिया है और अब हम कटिंग को निकालेंगे। कटिंग निकालने के बाद में एक एक कटिंग हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए कटिंग को भी निकाल लेते हैं। कटिंग को बहुत ही सावधानी के साथ निकालना है, और निकालने से पहले आप पानी ज़रूर डाल दें ताकि मिट्टी मॉइस्ट हो और उसकी रूट्स डैमेज ना हो, इसलिए से उसमें पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे पहले निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरा ही इसका जो रूट बॉल है वो निकाल लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत रूट्स बनी हुई हैं, और अगर इसी तरह से कटिंग आप भी लगाते हैं तो आपकी भी कटिंग 100% सक्सेस होगी और इसी तरह से रूट्स बन जाएंगी और फिर प्लांट को आप लगा सकते हैं। एक एक कटिंग को बहुत ही आराम से निकालना है, किसी टूल की मदद से आप इस तरह से कटिंग को बाहर करें, और बाहर करने के बाद फिर एक एक कटिंग निकालें। तो चलिए मैंने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ है, शायद ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए से मैं इन्हें लगा करके फिर मिलती हूँ। और करना कुछ भी नहीं है, केवल कटिंग को रखना है और रखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देनी है। मैंने सभी कटिंग्स को लगा दिया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और अब इन्हें हल्का सा हम दबा देंगे ताकि ये पानी डालने पर हिले नहीं।
और अब इनमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद में इन्हें रखना है कहीं साइड में। अभी इन्हें पूरे दिन की धूप नहीं लगनी चाहिए, अगर धूप लगती है तो केवल सुबह की ही लग सकती है, एक दो घंटे की, नहीं तो इन्हें अभी धूप में मत रखिए, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। अब एक एक प्लांट इस पॉट में लगे हुए हैं, तो अब अगर आप चाहें तो इन्हें अच्छी तरह से पानी देकर साइड में रखिए, कुछ दिनों में इन्हें फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे दीजिए तो इनकी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। इनकी क्या ग्रोथ रहेगी समय समय से मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से वेस्ट पॉट में आप प्लांट लगाइए और प्लांट जब आपके तैयार हो जाएँ तो उन्हें आप कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ काम किए जाते हैं गार्डन में और हम सब करते रहते हैं, जो करते हैं वही आप लोगों से शेयर भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।